अगर आप भी GTO के और यहाँ पे कोई भी टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि आपकी कॉलेज का जो एनवायरनमेंट होता है ना वो इतना एक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं होता कि आप यहाँ पे वो कॉलेज के 4 साल में कुछ नया कर पाओ। ठीक है, जो भी 4 साल होते हैं ना वो सिंपल हमारे करिकुलम फॉलो करने में ही चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे लास्ट जब प्लेसमेंट की बारी आती है तब हमको पता चलता है कि रियलाइज होता है कि हमने यहाँ पे हमारा जो 4 साल था कंप्यूटर जो इंजीनियरिंग का वो यहाँ पे वेस्ट कर दिया है। तो गाइस इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे उस 4 साल को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर आपका जो भी करियर हो ना उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेप लेना है। ठीक है, वो 4 साल को आपको यहाँ पे कुछ अच्छी जगह पर यूटिलाइज करना है, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, तो मैं आपको इसी वीडियो में ये सभी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग में 4 साल में क्या क्या करना होता है और आपका यहाँ पे जो भी करियर होता है उसको यहाँ पे आप कैसे यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे करियर में ऑप्शन होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे साथ, हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे सपोज कि आपका 12th अभी खत्म हुआ है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग में जाना है, वो यहाँ पे फिक्स है कि इंजीनियरिंग ही करना है। लेकिन यहाँ पे 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि इंजीनियरिंग में ब्रांच कौन सी ले यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी बहुत सारी ब्रांच होती है यहाँ पे, तो उसमें से कौन सी ब्रांच में जाए। ठीक है, वो तो 70% लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या देखते हैं वो लोग कि आज यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर और आईटी का ज़माना है, सभी जगह यहाँ पे डिजिटल हो रही है, चलिए फाइनल करते हैं कि यहाँ पे हम कंप्यूटर और आईटी ही लेते हैं, इन दोनों में से ही कुछ यहाँ पे ब्रांच लेते हैं, फिर 4 साल के बाद देखा जाएगा, जॉब तो मिल ही जाएगी ना। तो ये सभी का मीत होता है भाई कि क्या है कि अभी यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा है तो यहाँ पे 4 साल के बाद यहाँ पे अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगी ना। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे कॉलेज में कुछ नहीं किया है, सिंपल यहाँ पे करिकुलम को एक्सप्लोर किया है और यहाँ पे 4 साल टाइम पास ही किया है ना, तो फिर आपको 10-15 हज़ार से ज़्यादा कोई यहाँ पे सैलरी देने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी डिग्री कोई मैटर ही नहीं करती यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मैटर करता है, क्या करना चाहिए हमको यहाँ पे, अपने जो भी यहाँ पे बड़े बड़े गोल देखे कि गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो बड़े बड़े आपने गोल देखे उसको यहाँ पे अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला कि क्या है कि अच्छी अच्छी Tier 1 कॉलेज होती है, IITs होती है, NITs, उसमें तो क्या होता है कि कॉलेज का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है ना कि 4 साल में वो भी जो भी स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है ना कि वो यहाँ पे कुछ अच्छी सी डिसेंट कंपनी तो फोड़ ही देगा वो। लेकिन आप यहाँ पे GTO के स्टूडेंट हो, Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ पे कॉलेज का एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे कोई यहाँ फैकल्टी भी इतना यहाँ पे गाइडेंस नहीं देती आपके करियर को रिलेटेड, कि कोई यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होता नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के आने का चांस भी नहीं होता है, तो आपको कोई भी आपके सीनियर को भी कोई यहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिल रही होगी, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करना होगा, लर्न करना होगा और फिर अपना जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उसको फाइंड करके उसमें यहाँ पे स्किल आपको बढ़ानी होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 4 साल में कर देना है, उसके बाद आपको क्या है कि आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें ही जाना है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि मैंने भी यहाँ पे 4 साल इंजीनियरिंग में बिताया है और मैं भी यहाँ पे Tier 3 कॉलेज का था और वो भी GTU की थी, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कॉलेज में तो इतना अच्छा एनवायरमेंट होता नहीं है। ठीक है, आपको खुद से ही चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे सपोज कि कोई बड़ी MNC कंपनी में जाना है, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, Adobe, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना है यहाँ पे, तो फिर आपको ऐसे प्रिपेयर तो करना, अपने आप को ऐसे खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उस कंपनी के लायक आप बन पाओ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलेज के 60 साल को यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ कॉलेज में मस्ती कर रहे हो, करिकुलम फॉलो कर रहे हो, असाइनमेंट लिख रहे हो, सबमिशन कर रहे हो, मीट दे रहे हो, वो सब कर रहे हो, CGPA अच्छे मेंटेन कर रहे हो, वो सब अलग बात है। उससे अलावा यहाँ पे आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं इसी वीडियो में मेन यही टॉपिक था मेरा कि मैं यहाँ पे एक ऐसी प्लेलिस्ट ला रहा हूँ आपके लिए गाइस यहाँ पे, जिसमें आपको मिल जाएगा पूरा करियर का गाइडेंस। ठीक है, तो मैं ला रहा हूँ गाइस यहाँ पे रोड मैप्स, फुल प्लेलिस्ट यहाँ पे ला रहा हूँ, जिसमें मैं देने वाला हूँ आपको यहाँ पे रोड मैप। आप पूछोगे कि यहाँ पे किस टॉपिक पे रोड मैप देने वाला हूँ आपका है? तो मैं आपको यहाँ पे देखिए कंप्यूटर आईटी के स्टूडेंट के लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी, क्योंकि क्या है कि मैं आपको पर्टिकुलर जो कंप्यूटर आईटी में फील्ड आती है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, UX/UI डेवलपर,
फिर एंगुलर डेवलपर, फ्रंट एंड के, बैक एंड के साइड, फिर अलग डेवलपर होते हैं, फिर यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपर, iOS डेवलपर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बहुत सारी ब्रांच होती है, लेकिन उसमें से आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है और उसी फील्ड में आपको अपनी स्किल बढ़ाते रहना है और फिर उसी फील्ड में जाना है, उसी फील्ड में आपको करियर बढ़ाना है। तो आपको उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे रोड मैप चाहिए कि कहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँ ये सभी सीखने की यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये सभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से मैं आपको पूरा रोड मैप के यहाँ पे वीडियोस, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ जिसमें आपको यहाँ पे सबसे अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा और वो फॉलो करके आप यहाँ पे अपने कॉलेज के 4 साल को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह के इन्वेस्ट कर सकते हो, सीख सकते हो और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में जो आपने यहाँ पे ड्रीम देखा है ना उसको यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही था, यहाँ पे इस वीडियो को पसंद आया तो यहाँ पे जरूर से लाइक करके जाना है, यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताना कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा है आपके लिए, ठीक है, और आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हो वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को खास अपने GTO के फ्रेंड और टायर 3 जो कॉलेज में अपने फ्रेंड है उसको तो यहाँ पे शेयर करना, ठीक है, तो उनको भी पता चले कि यहाँ पे क्या क्या करना होता है अच्छी कंपनीज में जाने के लिए, अच्छा है यहाँ पे कुछ अलग करने के लिए, भीड़ से अलग होना पड़ेगा आपको गाइस। जो सब लोग जो रेस में भाग रहे हैं उसी रेस में आप भागोगे ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में। तो आप कुछ नया, कुछ समथिंग न्यू करना पड़ेगा और भीड़ से अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे गाइडेंस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।